सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एनएसक्यू लेवल 5 के तहत 5 चैप्टर। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े कि 5 चैप्टर, 5 का कौन कौन सा भाग है, 5 क्या है। तो 5 क्या है? 5 तो एक कटिंग टूल्स है और साथ में हैंड टूल्स भी है, हैंड कटिंग टूल्स। फाइल का भाग हम लोग पिछले क्लास में जान गए। उसके बाद फाइल का वर्गीकरण, तो फाइल का वर्गीकरण जो बताया गया, फाइल का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है? कट। दूसरा था ग्रेड। तीसरा था आकार, आकृति। चौथा लंबाई। लंबाई 4 प्रकार से फाइल का वर्गीकरण किया जाता है। तो आज हम लोग कट के बारे में पहले देखते हैं कि फाइल का वर्गीकरण जो किया जाता है, कट के आधार पर कैसे किया जाता है। तो कट के आधार पर वर्गीकरण जो होता है, कट के अनुसार, कट के अनुसार फाइल का वर्गीकरण मुख्य आकार के कट क्या है? कट जो फाइल के ऊपर, जैसे ये फाइल है, फाइल में जो कट किया जाता है, तीर्थ जो बनता है, तो तीर्थ जो बनता है तो इसको बनाया जाता है। तो बनाने के क्रम में सिंगल कट होता है, डबल कट होता है, राष्ट्र कट होता है। तो कट के आधार पर मुख्य प्रकार के फाइल होते हैं। तो पहला है सिंगल कट। तो सिंगल कट फाइल किस प्रकार का आता है? जैसे फाइल पर के फेस पर जो तीत कटे होते हैं दोनों तरफ, तो जो फेस पर तीत कटे होते हैं वो सिंगल, जैसे ये एक तरफ से, ये सिंगल तीथ है। तो ये तीथ तो सिंगल है, लेकिन ये तीथ जो है यू ही कट नहीं किया जाता। ये जो है किसी डिग्री पर, कोण पर ये तीथ काटे जाते हैं। तो सिंगल फाइल पे जो है वो इसके सेंटर लाइन से, जैसे ये है, इसके सेंटर लाइन से ये फाइल का जो आयति, ये 60 डिग्री पर कटे होते हैं। 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर सिंगल कट फाइल में तीर 60 डिग्री पे कटे होते हैं। इसका उपयोग सेमी फिनिशिंग मुलायम धातु, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, कॉपर और अल्मुनियम, ब्रास, इस सब के लिए यूज किया जाता है इसका। दूसरा है डबल कट फाइल। तो डबल कट फाइल जो है, तो डबल कट फाइल में, ये सिंगल कट है, तो डबल कट फाइल में जैसे तीत कटा हुआ रहता है, आप ये देखिएगा, ये जो है डबल कट है, तो डबल कट फाइल में भी तीर्थ जो है किसी डिग्री में कटे हुए होते हैं। तो फर्स्ट डबल कट में तीर्थ जो कटे होते हैं, जैसे फर्स्ट ये है, फर्स्ट कट जो है ये 70 डिग्री पर रहते हैं, ये सेंटर लाइन से ये 70 डिग्री पर, और सेकेंड, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट कट जो
होता है 70 डिग्री पर, इसको ओवरकट भी बोला जाता है, ओवरकट। इसको क्या बोला जाता है? ओवरकट बोला जाता है। दूसरा जो है ये एक डबल कट में एक दूसरे को विकर्ण पे काटती है, तो जैसे ये विकर्ण पे यहां पर काटती है तो ये जो है एक ये सत्तर, तो ये जो है ये कोण, ये कोण जो है 51 डिग्री पर होता है, 51 डिग्री पर होता है। ये निमि के अनुसार हम बता रहे हैं, लेकिन बहुत सब बुक में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा 60 डिग्री से 75 डिग्री, 80 डिग्री तक भी चला जाएगा। ये बहुत सब बुक में डबल कट में ये 80 डिग्री तक जाएगा। तो इसमें से अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर 60 डिग्री पे कहीं रह जाएगा। अगर ऑप्शन में 60 डिग्री सेवन डबल कट में 70 डिग्री है, और अगर कहीं 60 डिग्री भी आ जाएगा और ऑप्शन में 70-80 तक नहीं है तो 60 डिग्री सही हो जाएगा। किसी किसी में 75 डिग्री भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो डबल कट फाइल में अगर 75 डिग्री आएगा तो वो क्वेश्चन सही होगा। और डबल कट जो होता है, दूसरा जो ये विकर्ण पे जो काटती है दूसरा कट, इसको अप कट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अप कट, अप कट, अप कट बोला जाता है। तो इसमें से निम्न में दिया है सिर्फ 51 डिग्री, तो 51 डिग्री जो दिया है गया है बहुत बहुत में जो है 45 डिग्री से आपका 60 डिग्री तक आएगा। 60 यानी 51 के लगभग, 51 के लगभग माने 2-4 डिग्री आगे और पीछे। देखिए 45 से 5 डिग्री इधर चला गया, 51 से ही 55-60 के लगभग जाएगा। इसके बीच में जो रहेगा वो सब बुक में अलग अलग है। तो ये डबल कट है, तो डबल कट का जो है उपयोग, इस फाइल का उपयोग जो है सिंगल कट की अपेक्षा डबल कट मेकर को ज्यादा काटती है। डबल कट तीसरा है, स्पाइरल कट, स्पाइरल कट। स्पाइरल कट जो होता है, स्पाइरल कट जो फाइल होता है उसमें तीर्थ जो है सर्पाकार बने होते हैं, ऐसे ये इस आकार के तीर्थ बने होते हैं, ये डिग्री में बने हुए नहीं होते। इसका उपयोग भी जो है मुलायम धातु को घिसने के लिए किया जाता है। चौथा है रास्प कट, ये कट के आधार पर है। तो रास्प कट, रास्प कट फाइल जो है ये नुकीले आकार का होता है। एक सीधी पंक्ति में फाइल पर नुकीले आकार के तीर्थ बने होते हैं, इस प्रकार के तीर्थ बने होते हैं, त्रिभुजाकार।
इस फाइल के का उपयोग जो है अक्सर देखे होंगे रबर फाइबर इस सब में जो है, कभी गाड़ी का पंचर बनाने जाते होंगे जो ट्यूब घसता है वो रास्ट कट फाइल ही रहता है उसका। इसका उपयोग शीशा लकड़ी लकड़ी मिस्त्री भी उपयोग करता है, ट्यूब बनाने के लिए अगर पंचर बनाने में भी काम किया जाता है वो रास्ट कट का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है आपका वक्राकार कट, वक्राकार कट, वक्राकार कट जो है एक राफ्ट कट फाइल जो है ये राउंड टाइप में उपलब्ध होते हैं। ये राउंड टाइप में, पूरा राउंड नहीं यानी हाफ राउंड टाइप में, ये यानी इसका क्रॉस सेक्शन जो है इस आकार का होगा, एक तरफ चपटा एक तरफ गोल, इसका क्रॉस सेक्शन इस आकार का होगा। ये इस आकार का क्रॉस सेक्शन होगा। क्रॉस सेक्शन जो है इसका इस आकार का होगा। अगला है वक्राकार। वक्राकार फाइल जो होता है तो ये वक्र आकार का होता है। वक्र आकार का मींस ये इस आकार का। इस आकार का फाइल हो, ये फाइल जो है चपटे टाइप में उपलब्ध होते हैं, चपटे टाइप में ये फाइल मिलते हैं। और इसका उपयोग भी जो है मुलायम धातु तांबा एल्यूमिनियम इस सब के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया कट के आधार पर। आगे हम लोग देखते हैं ग्रेड के आधार पर। ग्रेड, ग्रेड के आधार पर, तो ग्रेड क्या है? ग्रेड है कि फाइल में जो तीत कटे होते हैं, ये फाइल में जो तीत कटे होते हैं तो कट के अनुसार तो ये डिग्री में होते हैं, लेकिन ग्रेड के अनुसार जो है फाइल का वर्गीकरण ये प्रति सेंटीमीटर यानी एक सेंटीमीटर में दांतों की संख्या या 10 mm 1 cm दांतों की संख्या को गिनाया जाता है ग्रेड। जैसे ये 1 cm है, 1 cm, इसमें दांतों की संख्या गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ग्रेड के अनुसार पिछले क्लास में भी बताए थे कि फाइल का लंबाई जो है वो 100 mm से लेके 450 mm तक पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो उसमें से जो जो फाइल की लंबाई बढ़ती है तो दांतों की संख्या क्या होगा, मोटा होते जाएगा। जो जो फाइल की छोटा छोटा होगा, जैसे 100 mm का है, इसमें से फाइल ग्रेड में बताएंगे और तो उसमें से जो है ये दांतों की संख्या अधिक होगी, ये फाइल के अनुसार। तो ग्रेड फाइल का वर्गीकरण जो है ग्रेड के आधार पर प्रति सीएम दांतों की संख्या के अनुसार किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेड वो जानेंगे कि फाइल का ग्रेड के अनुसार
कौन कौन से फाइल पाए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।